घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं, शहर का मौसम बदल गया। आंधी के बायस हीट वेव का कहर थम गया। सूरज और बादलों में आंख मचौली, लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में कमी की नवीद सुना दी। खबरदार होशियार, लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश होगी मूसलाधार। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेस्को शाहिद हैदर ने खसूसी हिदायत जारी कर दी। तर्जमान लेस्को के मुताबिक सार्फीन बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से दूर रहें। बिजली मुअत्तल होने की सूरत में लेस्को अमले के आने का इंतजार करने की तलकीन। लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा केसेस में इजाफा। 24 घंटे में पंजाब में खसरा से मुतासर दो बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। खसरा से जां बहक एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर और दूसरे का रहीम यार खान से है। लाहौर में खसरा से अमवात की तादाद 4 हो गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ का दौरा मरी। 3 रोजा क्याम के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल। सूबे के इंतजामी अमूर और आइंदा बजट के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और परवेज रशीद भी हमरा। पाँच माह में महंगाई 37 से 12% पर आ गई। ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट नू लीग की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। सूबाई वजीर इतलात अजमा बुखारी ने कहा, इंतशारी टोले के सरगना का मिशन खुद को और अपनी बीवी को जेल से निकालना है। पाकिस्तान की तारीख का जो इन्फ्लेशनरी डिप है वो 47 इयर्स के बाद महंगाई में जो परसेंटेज कमी है वो तारीखी हुई है इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। और इसमें भी वो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के, जिसकी वजह से ये परसेंटेज डिप जो आया है। और ये मैंने ही कह रही, इट इज़ नाउ एन इंटरनेशनल रिपोर्ट बाई रॉयटर्स एंड ब्लूमबर्ग ऑल्सो। पाकिस्तान के अंदर इतने टाइम पीरियड में दिस परसेंटेज ऑफ डिप हैज़ कम आफ्टर 47 ईयर्स, 35% ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो यूज ऑफ प्लास्टिक है इसको कंज्यूमर ने खत्म करना है। हम रेगुलेट करेंगे कि प्लास्टिक की वो प्रोडक्शन जो बैन है वो ना हो। और उसके ऊपर पिछले 2 माह में आपने देखा होगा कि किस किस्म का इम्प्लीमेंटेशन हुई है। माहौल की बेहतरी के लिए हर घर तक सोलर पहुंचाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, माहौलियात का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स पर आज से पाबंदी आयद कर दी गई। आलूदगी के खतरात उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में माहौलियात का दिन। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान में जमा होने वाले फजले में 5 से 10% प्लास्टिक का कचरा शामिल। प्लास्टिक कचरे का इंसानों में बीमारियां फैलाने में बड़ा किरदार। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियाँ सज गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में भी महंगाई का राज। कुर्बानी के जानवरों के रेट आसमान पर पहुंच गए। कुर्बानी के जानवरों की कीमत सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान से कबल ज़िलाई इंतजामिया भी मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर्स के मवेशी मंडियों के दौरे, पीने के पानी, बैठने के इंतजामात, सफाई, लाइट्स की तंसीब और पार्किंग का जायजा लिया। DC राफे हैदर ने कहा, शहर में गैर कानूनी सेल पॉइंट कायम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ज़िला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गैर कानूनी सेल पॉइंट्स कायम। व्यापारियों ने सड़क पर ही जानवर फरोख्त करना शुरू कर दिए। मंडी में जाने वाला रास्ता और मेन मुल्तान रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। बड़ी ईद पर पाकिस्तान रेलवे का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। आवाम की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 2 ट्रेनें कराची से लाहौर और पिशावर के लिए चलाई जाएंगी। 3री ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी पहुंचेगी। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सफाई प्लान। महकमा बल्दियात का सफाई के इंतजाम के लिए कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला।
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से इजाफी मशीनरी, अफरादी कुव्वत के लिए भी तजावीज तलब। बुजुर्ग और ख्वातीन कैदियों के लिए ईद से कबल बड़ी खुशखबरी, कैदियों की सजा में कमी और रिहाई के लिए सबरी तैयार। ईद से कबल काबीना के सामने पेश की जाएंगी। दो तिहाई सजा मुकम्मल करने वाले कैदी मुस्तफीद होंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा किया गया। किचन हस्पताल कैदियों के बैरिक्स का मुआयना किया, खाने का मयार भी चेक किया। सात साल बाद पंजाब की जेलों की भी सुनी गई। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए 53 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी। फंड्स जेलों की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग पर खर्च होंगे। जेल हुकाम का कहना है कि फंड से जेलों में नस्ब कैमरों, सामान चेकिंग स्कैनर्स, इंटरनेट और नए SLA मुहाइदे किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा किया जाए, असातिज़ा डट गए। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज, कहते हैं मुतालबा तस्लीम न हुए तो इस्लामाबाद में धरना होगा। लेस्को मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफे के लिए हड़ताल। पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन ने कहा तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा नहीं हो रहा। ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद, तेजाब से जलाने की कोशिश, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का एक्शन। पुलिस ने भाभी को जलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के भाई ने ससुराल में बहन पर तशद्दुद और तेजाब गर्दी की 15 पर शिकायत की। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुर्दा मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले पॉइंट्स को मुस्तकिल सील करने का हुक्म। टोलिंगटन मार्केट का कचरा कहां तल्फ होता है, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए। PHA सरकारी पार्क्स की देखभाल की रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एक से ज़ायद मुकदमात में रिहाई के बाद दूसरे में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। मुलजिम जब गिरफ्तार होगा तो इसे तमाम दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार तस्वर किया जाएगा। मुलजिम की तमाम मुकदमात में मजमू पुलिस हिरासत 15 दिन से ज़ायद गैर कानूनी करार। जस्टिस असजद जावेद ने हुक्म जारी किया। अदालत का पुलिस हुकाम और मातहत अदलिया को साफ निकाती हिदायतनामा जारी। तुर्किया के सफ़ी डॉक्टर महमद पकासी का हाई कोर्ट बार का दौरा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट ने तुर्किया सफ़ी का खैर मकदम किया। हाई कोर्ट बार के अहदेदार और सीनियर वकला भी हमरा थे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात हुई। तालीमी इदारों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज़ पर तबादला ख्याल हुआ। न्यूट्रिशन प्रोग्राम में खुराक के मयार पर किसी किस्म का समझौता न करने पर इत्तेफाक। सूबाई वज़रा का पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद मॉडल को तमाम स्कूल तक फैलाने का अज़्म। मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग, महकमा खुराक और पंजाब फूड अथॉरिटी का शाहआलम मार्केट में छापा। जाली मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, 3400 किलो जाली मसाला जात तल्फ। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा मिलावट माफिया की पंजाब में कोई जगह नहीं, कारोबार जड़ से उखाड़ के सख्त सजाएं दी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस शहरियों की सहूलत और मुनज़्ज़म ट्रैफिक के हसूल के लिए पुरअज़्म। CTO का DC लाहौर के हमरा मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट्स का दौरा। टीपा कॉरपोरेशन और मुतल्लिका सर्कल अफसरान की ब्रीफिंग। ट्रैफिक की रवानी के लिए चौकिंग पॉइंट्स की सिफारिशात ज़ेरे बहस। अमारा तर ने कहा कि शहर में 1-way पॉइंट्स पर टायर किलर्स लगाए जा रहे हैं।
लाहौर पुलिस शहदा के अहल खाना गाजियों की वेलफेयर के लिए मुतहरिक है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड से 1494 पुलिस मुलाजमीन को 3,50,00,000 रुपये माली इमदाद जारी की गई। CCPO बिलाल सदीक मियाना ने कहा 400 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को गाजी के एजाज से नवाजा गया। पोलियो के कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। लाहौर समेत 6 इजलाह में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज, पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। लाहौर में 14,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर मुहिम का हिस्सा। दरिया सतलुज पर मेगा प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज, कमिश्नर लाहौर जिलाई इंतजामिया समेत पाक फौज और रेंजर्स अफसरान की शिरकत की गई। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 की बोट्स और ड्राइवर्स ने अपनी साहितों का मुजाहरा किया। कमिश्नर जैदिन मकसूद ने कहा फ्लड 2023 में हंगामी इंतजाम बेहतरीन थे। और पंजाब यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग में शानदार तरक्की, आलमी इदारे QS ने पंजाब यूनिवर्सिटी को एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला इदारा करार दे दिया। वाइस चांसलर जामिया पंजाब ने कहा कि आलमी रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की 517वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार पाई।